हिमाचल प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। बीजेपी अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता हिमाचल का दौरा कर चुके हैं। इस बीच हिमाचल के रहने वाले द ग्रेट खली के नाम से प्रसिद्ध दलीप सिंह राणा को भी बीजेपी हिमाचल चुनाव में उतार सकती है। हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी खली की लोकप्रियता को भुना सकती है। इस बात का अनुमान इस बात से लगाया जा रहा है क्योंकि द ग्रेट खली के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर दलीप सिंह राणा दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मिलने पहुंचे। आधे घंटे तक चली इस मुलाकात के बाद खली ने बाहर आकर मिलने का कारण तो नहीं बताया, सिर्फ इतना ही कहा कि जितेंद्र सिंह पहाड़ से हैं और मैं भी पहाड़ से हूँ, इसलिए मिलने चला आया। हालांकि बता दें कि 3 साल पहले पश्चिम बंगाल के जादवपुर में बीजेपी कैंडिडेट के लिए खली वोट मांग चुके हैं। मैं तो जो अपने डॉक्टर जितेंद्र जी है उनको मिलने आया था और अभी जा रहे हैं वापस। जैसे ऐसे ही मतलब एक क्योंकि मतलब एक हरिये वो भी मतलब एक पार से बिलोंग करते हैं और मैं भी पार से बिलोंग करता हूँ, एक उनको मिलने आया था। जैसे कि मैं खुद ही आया था, मतलब ऐसे ही आया था रेगुलर ऐसे मतलब। द ग्रेट खली से जब सवाल पूछा गया कि आपने बीजेपी ज्वाइन की है तो उन्होंने बताया कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित था, मैं बीजेपी कार्यकर्ता होकर खुद पर गर्व करता हूं, पीएम की जो सोच देश के प्रति है मैं उससे प्रभावित हूं। देश विदेश में बड़े बड़े पहलवानों का रेसलिंग में चित कर चुके द ग्रेट खली दिलीप सिंह राणा पीएम मोदी की इस दौरान जमकर तारीफ भी की। भी मैं बीजेपी ज्वाइन करी है और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी उनकी जो एक आइडियोलॉजी है उनसे उनकी जो एक सोच उससे मैं प्रभावित होकर मैंने बीजेपी को ज्वाइन करा है। सो आई फील गुड कि भी मैं बीजेपी ज्वाइन करा है, सो आई फील सो प्राउड। बता दें कि हिमाचल के छोटे से गांव से संबंध रखने वाले खली ने WWE में खूब नाम कमाया था। खली पंजाब पुलिस में भी रह चुके हैं। खली की कद काठी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। हालांकि बीते दिनों मीडिया से चर्चा के दौरान द ग्रेट खली ने बताया था कि चुनाव मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मैं रेसलिंग को बढ़ावा देना चाहता हूं। हालांकि आलाकमान का आदेश हुआ तो चुनाव में लड़ेंगे और पार्टी के लिए वोट भी मांगेंगे। उन्होंने कहा कि यदि काम करने के लिए कहा गया तो वो सेवा करेंगे, पार्टी जहां जैसी ड्यूटी लगाएगी वैसा काम करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।